दिल्ली में स्थित एक ऐसा मंदिर जो 3000 साल पुराना मंदिर है, जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, इस मंदिर के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो लोटस टेम्पल के पास स्थित है। ये मंदिर का द्वार है जो दिखने में काफी अच्छा है, एंड द्वार के बाहर ही आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाती है जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। और आपको इस द्वार से पता ही लग गया होगा कि आज मैं कहाँ आया हूँ। और जब हम मंदिर के द्वार के अंदर जाते हैं तो सामने ही जूते और चप्पल रखे जाते हैं, जिसका शुल्क बहुत कम होता है। यह है कलका जी का मंदिर। इस मंदिर में नवरात्रि और शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हेलो गाइस, आज हम आए थे कालका जी दिल्ली। तो अभी देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, और अभी मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है, आगे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो टाइम लग जाता है यहाँ दर्शन करने के लिए। अब देख मैं यहाँ शनिवार को ही आया था और यहाँ बहुत भीड़ थी। लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे थे और मैं भी उनको धक्का मार रहा था, मतलब मेरे लोग धक्का मार रहे थे, और यहाँ लोग आपस में लड़ भी रहे थे, जो मेरे लिए काफी एडवेंचरस सा लग रहा था। इस रास्ते से मंदिर तक जाया जाता है, जो दिखने में छोटा है पर जाने में बड़ा है अगर भीड़ हो तो। तो यहाँ से मंदिर स्टार्ट हो जाता है। आप देख ही सकते हैं यहाँ माता रानी विराजमान है, इसे इनका गर्भगृह कहते हैं। और अभी मैं अंदर जाऊंगा और आपको माता रानी के दर्शन कराऊंगा। आपसे अनुरोध है कि आप ये वीडियो पूरा देखें। अब मैं आपको इस मंदिर का इतिहास बता देता हूँ। इस मंदिर के पुराने हिस्से का निर्माण मराठाओं ने 1764 में करवाया था, और इस मंदिर की स्थापना वर्तमान में बाबा बालकनाथ ने की थी। और ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत काल में युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ यहाँ माँ भगवती की आराधना की थी, जिन्होंने उन्हें साक्षात प्रकट होकर दर्शन भी दिए थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहें। अब मैं आपको इस मंदिर की कहानी बता देता हूँ। मंदिर के महत के अनुसार असुरों की ओर से सताए जाने पर देवताओं ने इस जगह शिवा शक्ति की आराधना की। देवताओं के वरदान मांगने पर मां पार्वती ने कोशिका देवी को प्रकट किया, जिन्होंने अनेक असुरों का संहार किया लेकिन रक्त बीज को नहीं मार सकी। इसके बाद पार्वती ने अपनी भ्रुकुटी से महाकाली को प्रकट किया, जिन्होंने रक्त बीज का संहार किया। महाकाली का यह रूप देखकर सब भयभीत हो गए। देवताओं ने काली की स्तुति की तो माँ भगवती ने कहा कि जो भी इस स्थान पर श्रद्धा भाव से पूजा करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तभी से इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है, और इस मंदिर में अनेकों मूर्तियां हैं जो अलग अलग भगवानों की है, जो इस मंदिर को काफी सुंदर बना देती है। और यहाँ काली माँ की अलग अलग प्रतिमा है जो दीवार पर बनी हुई है, जो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ एक और मंदिर है जो सरकटे भैरव का है, इस मंदिर के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये कलका जी मंदिर के पास ही स्थित है। इसमें भी बहुत सारी मूर्तियां हैं, जैसे हनुमान जी की और गणेश जी की, तो काफी अच्छा लगता है यहाँ आते हुए भी। तो अगर आप कलका जी के आते हैं तो यहाँ इस मंदिर में भी आप आ सकते हैं। तो गाइज, आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।